सेवा ही भजन का सबसे बड़ा अंग है। ठाकुर की अपने घर में आपके जो मंदिर की मूर्ति होगी उसकी सेवा करना, उनको नए नए वस्त्र पहनाना, उनको भोजन खिलाना, उनको स्नान कराना, ये सब सेवा अति अनिवार्य है। एक दक्षिण के एक आचार्य हुए थे, तो भगवान वेंकटेश के लिए एक सुंदर सरोवर का निर्माण करना चाहते थे। तो वो आचार्य जो थे वो स्वयं अपने आप उस सरोवर की खुदाई में लग गए, किसी को नहीं बुलाया और स्वयं सरोवर की खुदाई अपने हाथों से करने लगे। तो उन आचार्य की एक धर्म पत्नी थी, वो उस समय गर्भवती थी, उनको भी लगा लिया कि तुम भी सेवा में लगो, तुम वो जो भी मैं दूँ, जो भी मलवा निकलता है, जो भी मिट्टी निकलती है, उसको तुम सर पे रख के कुछ दूरी पर जाके फेंक दो। तो वो आचार्य की पत्नी सर पर वो मिट्टी लेकर के जाती है और बहुत जल्दी वापस आ जाती है। जहां मिट्टी डाली उस स्थान बहुत दूर था, पर बड़ी जल्दी वापस आ जाती थी। तो आचार्य को शंका आई, उन्होंने पत्नी से पूछा तो इतनी जल्दी कैसे वापस आ जाती है। बोले वो क्या है ना, मैं जब जाती हूँ तो रास्ते में एक छोटा सा बालक खड़ा है, वो कहता है कि भैया आपको आगे जाने की जरूरत नहीं, आप गर्भवती हो, बेकार में तकलीफ उठाओगी। वो स्वयं अपने माथे पर रख के मिट्टी डाल आता और भाग के वो पात्र मुझे देता और मैं आधे रास्ते से फिर वापस ले आती। आचार्य ने कहा अच्छा हमको भी मिला उससे। आचार्य गए तो देखा वहां स्वयं श्री ठाकुर बालक बन के खड़े थे और उसके पात्र को मांग मांग के ले जा रहे थे। आचार्य ने जाकर के आव देखा न ताव और भगवान को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की। हमारे आचार्य कह रहे हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारे पास केवल एक आपकी सेवा ही तो है, वो सेवा भी आप छीन लो ये हमें गवारा नहीं, आप कुछ भी कर लो लेकिन हमसे हमारी सेवा मत छीनो, यही सेवा ही तो हमारे भक्तों का अधिकार है, सेवा के अलावा हम भक्तों के पास और है ही क्या। इसलिए सेवा मुख्य अंग है भगवान का, खूब सेवा करो, भगवान को अच्छा भोजन खिलाओ, अच्छा वस्त्र पहनाओ, अच्छे अच्छे उनके लिए श्रृंगार लाओ। अच्छा कुछ लोग क्या कहते हैं, बोले भगवान तो भाव की भूखे, उनको छप्पन भोग लगाने की क्या आवश्यकता, जितना आप भगवान को खिला रहे हो उससे अच्छा तो किसी गरीब को खिला दो। हाँ आपका भाव भी सही है, किसी भूखे को खिला दो, लेकिन आपको भूखे को खिलाना ही तो अपने भोजन में से काट के खिलाओ ना, भगवान का क्यों छीनते हो। तुम जितना पैसा शादियों में अपने खाने में लगाते हो उसमें से काटो ना पैसा, उसमें से गरीबों को खिला, वहां से तो काटते नहीं और बोलते भगवान का छप्पन भोग बंद कर दो, उस पैसे को गरीबों की सेवा में लगा। सेवा करना ये भी भजन है। आप अगर ये सोच रहे हो कि भगवान को भोग लगाने की क्या आवश्यकता, भगवान को दूध पिलाने की क्या आवश्यकता, मतलब अभी आप भगवान को भगवान माने ही नहीं। अगर भगवान मानते तो आपको पता होता ये खाता भी है, इसको भूख भी लगती है। इसलिए जो भगवान की सेवा करते हैं या प्रभु को भोजन में अच्छा अच्छा पैसा खर्च करते हैं, उसका मतलब ये मत समझिए वो पैसा व्यर्थ है, वो व्यर्थ नहीं है, वो ठाकुर की सेवा है।